हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। ये बनाने में बहुत ही इजी और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। इसे आप इडली, डोसा या कोई भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोकोनट चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश चॉप्ड कोकोनट 1 कप। इसमें मैंने कोकोनट के पीछे का ब्राउन पार्ट हटा दिया है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड रहता है तो चटनी थोड़ी दरदरी हो जाती है। रोस्टेड चना दाल 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 3, इमली 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वादानुसार, पानी लगभग आधा कप। चटनी के तड़के के लिए हमें चाहिए सरसों दाना 1/2 टीस्पून, हींग चुटकी भर, साबुत लाल मिर्चें 2, कड़ी पत्ता 8 से 10, तेल 1 टीस्पून। सबसे पहले एक चटनी जार में चॉप किया हुआ कोकोनट, रोस्टेड चना दाल, हरी मिर्चें, इमली, और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लें। अगर इसमें थोड़ा जरूरत लगे तो थोड़ा पानी और ऐड कर दें और वापस से अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब इसमें नमक अच्छे से मिला लें। लीजिए, चटनी तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। चटनी के तड़के को बनाने के लिए सबसे पहले एक तड़के की कड़छी में तेल गरम कर लें। अब इसमें सरसों दाना, हींग, साबुत लाल मिर्चें, और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब ये तड़का चटनी के ऊपर से डालें। और इसे डोसा, इडली या कोई भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व करें और एंजॉय करें।